नाउ वी टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ अ डाइजेशन, के डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कैसे होता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड डाइजेशन ऑफ फूड इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉम्प्लेक्स एंड इन्वॉल्व द सेलर ऑर्गन एंड सिस्टम। इसे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है और बहुत से ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वर्किंग टुगेदर एक साथ काम करेंगे टू ब्रेक डाउन फूड इन टू न्यूट्रियट्स दैट कैन बी एब्सॉर्ब एंड यूज बाई अर बॉडी। हेयर इज एन ओवर व्यू ऑफ दिस मैकेनिज्म। इधर हम इसकी डिटेल देखेंगे कैसे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है काम करेगा, हाउ इट वर्क्स। नंबर वन, इंजेशन। इंजेशन का मतलब है इनटेक ऑफ फूड। इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड एज इंजेशन। द प्रोसेस बिगिंस व्हेन फूड एंटर्स द माउथ। सबसे पहले फूड जो है माउथ में आती है। टीथ ब्रेक द फूड इंटू स्मॉलर पीसीज थ्रू च्यूइंग, यानी चबाने के जरिए जो है टीथ जो है इसको स्मॉल पीसीज में जो है वो स्मॉल पीसीज में डिवाइड करेंगे। वाइस सलाइवा फॉर्म फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड मॉइस्टन द फूड, जबकि सलाइवा जो सलाइवरी ग्लैंड में पाया जाता है वो फूड को जो है मॉइस्टन करेगा एंड यानी कि इट मीन वेट करेगा, मेकिंग इट ईजियर टू स्वेलो, जिसकी वजह से स्वेलिंग का प्रोसेस होता है वो आसान हो जाता है। और द एंजाइम अमाइलेज इन सलाइवा स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन द कार्बोहाइड्रेट्स इंटू सिंपल शुगर्स। और ये एंजाइम अमाइलेज जो है वो क्या स्टार्ट करेगा, जो सलाइवा है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको सिंपल शुगर में जो है वो चेंज करेगा, यानी माउथ में जो है बेसिक डाइजेशन जो है वो प्रोसेस शुरू हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सलाइवा विच इज़ हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। जहाँ पर डाइजेशन जो है वो शुरू हो जाती है, यानी कि इसमें नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है उसे हम कहेंगे स्वेलिंग एंड ट्रांसपोर्ट। स्वेलिंग का मतलब होता है खुराक को जो फूड है उसको स्वेलो करके छोटे छोटे हिस्सों में जो है वो तकसीम करना, और ट्रांसपोर्ट का मतलब है खुराक को मुंतकिल करना, यानी फूड जो है वो माउथ से जो है वो ट्रांसफ़र होती है और ट्रांसफ़र होकर फेरनेक्स एंड इसोफेगस में आती है। वन फूड इज शूट द टंग पुशेस इट टू द बैक नेक्स्ट जो है वो इसमें फेरनेक्स एंड इसोफेगस आ जाते हैं कि वंस फेरनेक्स एंड इसोफेगस। वंस फूड इज शूट द फूड जो है चबाई जाती है और ये बकर ये हमारे माउथ से बकर कैविटी से होती हुई फल्टा प्रोसेस करके फेरनेक्स और इसोफेगस में आती है। द टंग पुशेस इट टू द बैक ऑफ द फेरनेक्स वेयर इट इज स्वेलोड एंड द फूड देन ट्रेवल डाउन द इसोफेगस। फिर उसके बाद फूड जो है माउथ से होती हुई ट्रेवल करके इसोफेगस में आएगी, जो कि ट्यूब है मस्कुलर ट्यूब थ्रू अ कोऑर्डिनेटेड मस्कुलर मूवमेंट कॉल्ड पेरिस्टेलिसिस। और ये जो मूवमेंट होती है रिदमिक मूवमेंट होती है जिसको हम पेरिस्टेलिसिस कहते हैं। द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल प्रॉपर्स द फूड डाउनवर्ड टूवर्ड्स द स्टोमिक। और ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन जो होती है वो फूड को जो है नीचे की तरफ धक्का देगी और फूड जो है वहाँ से ट्रांसफ़र होकर स्टोमिक में आती है। नाउ नेक्स्ट इज़ वो टॉक अबाउट द स्टोमिक। अब स्टोमिक में जो है फूड की डाइजेशन जो है वो दो किस्म की होती है, एक तो उसको हम मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं और एक को हम केमिकल डाइजेशन कहते हैं। द स्टोमिक इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन वेयर बोथ मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन। अगर फूड वो स्टोमिक वो ऑर्गन है जिसमें मस्कुलर इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन वेयर बोथ मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन अगर, जहाँ पे मैकेनिकल डाइजेशन भी होती है और केमिकल भी होती है। द स्टोमिक वार्ड चर्न द फूड मिक्सिंग इट विद गैस्ट्रिक जूस। अब स्टोमिक में जो है वो गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है जिसकी मदद से जो है जो फूड जो है फर्दर डाइजेस्टेबल बनती है। फूड इज मेक डाइजेस्टेबल बाई द हेल्प ऑफ द गैस्ट्रिक जूस जो कि स्टोमिक में होता है, कंपोज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम लाइक पेप्सिन। और जो गैस्ट्रिक जूस होता है इट इज़ कंपोज ऑफ द पेप्सिन एज वेल एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अ ब्रेक डाउन ऑफ। और इसका क्या काम होगा, इसका फंक्शन होगा ब्रेक डाउन प्रोटीन इन द स्मॉलर यूनिट्स के। ये जो है गैस्ट्रिक जूस जो कि स्टोमिक में पाया जाता है ये केमिकल डाइजेशन करेगा और फूड को जो है एप्पल ब्रेक डाउन करेगा प्रोटीन्स को इनटू द स्मॉलर यूनिट्स। द स्टोमिक इज अ मस्कुलर ऑर्गन वेयर बोथ मैकेनिकल एंड अ केमिकल डाइजेशन अगर। द स्टोमिक वॉर्ड्स चर्न द फूड मिक्सिंग इट विद गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन क्या होती है, कंपोज ऑफ
हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम लाइक पेप्सिन। एंड दिस पेप्सिन का फंक्शन क्या होता है कि ये प्रोटीन्स को जो है स्मॉलर पेप्टाइड्स में चेंज करेगा। नाउ द एसिडिक मूवमेंट ऑफ द स्टोमिक आल्सो हेल्प किल द हार्मफुल माइक्रोब्स एंड एक्टिवेट्स द एंजाइम्स। द फूड बिकम्स अ सेमी लिक्विड मिक्सचर कॉल्ड द चाइम। और इरा जो प्रोसेस होता है उसमें फूड जो फाइनल स्टोमिक में फॉर्म में आती है उसको हम काइम कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ काइम। नाउ जो फूड है प्रोसेस होकर जो है वो इंटेस्टाइन में आ जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है जो मेजॉरिटी पार्ट ऑफ फूड होती है वो डाइजेस्ट हो जाती है। और इसकी जो पार्ट्स हैं इसमें हम बात करेंगे, ड्यूडेनम होता है इसमें, इसके अलावा जीजेनम एंड इलियम जो हैं इसके पार्ट्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट ड्यूडेनम। एज चाइम एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन इट फर्स्ट पासिस टू द ड्यूडेनम, यानी कि जो फूड स्टोमिक से प्रोसेस हुई है वो उसके बाद ड्यूडेनम में आएगी इन द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर इट इज़ मिक्स विद द बाइल फ्रॉम द रिवर। जो जो रिवर में से जो बाइल फैट को इमल्सिफाई करने के लिए प्रोड्यूस हुई है उसके साथ मिक्स होगी और पेनक्रियाटिक जो कि पेनक्रियस में से आता है उसके साथ मिक्स होती है। और फिर ये सारे जूसेस मिलके जो हैं ये फूड को डाइजेस्टेबल बनाते हैं। बाइल हेल्प्स इमल्सिफाई फैट्स, यानी कि फैट को इमल्सिफाई करेगी, ब्रेक डाउन करेगी, इमल्सिफिकेशन में छोटे छोटे पीसेस में उसको डिवाइड करेगी, ब्रेकिंग देम डाउन इंटू स्मॉलर ड्रॉपलेट फॉर ईजियर डाइजेशन बाई एंजाइम्स। एंड पेनक्रियाटिक एंजाइम्स इंक्रीजिंग इंक्लूड्स द रिपेज अमाइलेज एंड द प्रोटीएसिस फॉर प्रोटीन। अब ये जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं इसमें तीन तरह के एंजाइम इंक्लूड हैं, रिपेज अमाइलेज एंड प्रोटीएसिस। रिपेज जो है फैट की डाइजेशन के लिए होता है, अमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए होता है, और प्रोटीएस प्रोटीन्स के लिए होता है। दिस फर्दर ब्रेक डाउन फूड इनटू सिंपलर कंपोनेंट लाइक फैटी एसिड ग्लूकोज एंड एज वेल एज अमाइनो एसिड्स। यानी पेनक्रियाटिक एंजाइम विच कम फ्रॉम द पेनक्रियास और बाइल विच कम फ्रॉम द लीवर। दिस जूसेस और एंजाइम्स कम इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन इन द ड्यूडेनम एंड दिस वर्क टुगेदर। जैसे कि इसमें तीन तरह के एंजाइम पाए जाते हैं और अदर एंजाइम जो है इस ब्रेक डाउन द फूड, जैसे कि अमाइलेज ब्रेक डाउन द कार्बोहाइड्रेट्स एंड चेंज देम इनटू द फैटी एसिड्स, एज वेल एज प्रोटीएस ब्रेक डाउन द फूड इनटू अमाइनो एसिड्स, और रिपेज ब्रेक डाउन द फैट्स। ठीक है, और देयर लाइक दिस। Now the food come into the jejunum and ileum. This section of the small intestine are responsible for nutrient absorption. यहाँ पे जो इसके last part हैं small intestine के, इनमें जो है are responsible nutrient absorb होना शुरू हो जाते हैं। और इनकी जो intestine है इसकी lining is made up of villi which is or microvilli which increase the surface area for absorption. यानी फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए ये विलाई और न्यूक्लियर माइक्रोविलाई पाए जाते हैं जो इसके सरफेस एरिया को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। हियर द फूड आफ्टर पासिंग फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन कम इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर द वाटर एब्जॉर्प्शन एंड अ वेस्ट फॉर्मेशन हैपेंस। आफ्टर मोस्ट न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड, जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ मूव करते हैं बहुत सारे न्यूट्रिएंट जो है वो एब्जॉर्ब हो चुके होते हैं एंड अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो मूव कर जाता है फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन एंड पासिस आउट इजेक्ट आउट आउटवर्ड। एंड बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द कोलन आल्सो हेल्प ब्रेक डाउन एनी रिमेनिंग न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूसिंग द विटामिंस लाइक विटामिन के। एंड दिस इज ऑल अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम।